India in third place. Second place, Pakistan. मतलब सही गवर्नमेंट का सपोर्ट बजट का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। मुझे आज तक में जितने भी इवेंट जीत कर आया हूँ इंटरनेशनली, मैं सिंह का वाकई प्लेयर जो कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत कर आ रहा हूँ, लेकिन सिंह गवर्नमेंट की तरफ से तो आजकल मुझे एक अप्रिसिएशन का मैसेज नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिक्शा की पहली ऑफिशियल वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज हम जिस रोड पे मौजूद हैं, ये मेन मद्रास चौक का रोड है जहाँ से तमाम लोग मंडी के लिए जाते हैं, जानवर खरीदते हैं, और तमाम यूट्यूबर्स आपको हर साल यही वीडियो दिखाते हैं कि हाय गाइस मैं बल्कि ऐसे हाय गाइस मैं मंडी जा रहा हूँ और ये देखें मेरे पीछे जानवर खड़े। हम आपको मंडी के जानवर नहीं दिखा रहे। मंडी के इस रोड पर अगर जाते हुए सुहाने मौसम में आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो एक बहुत खूबसूरत सी और मज़ेदार सी शॉप पर आपको लेके जाना है जहाँ आपको मिलेगा फालूदा, आइसक्रीम, मार्गरीटा, मार्शल आर्ट्स, जुजित्सो, एक मिनट, मार्शल आर्ट और जुजित्सो, जी हाँ ये सब मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आइए भाई, अमार भाई ने हमें अपनी शॉप पे इनवाइट किया, आप बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि एक मज़ेदार फैमिली फालूदा जो कि डाइट वाले नहीं खा सकते, मैं सिर्फ सूंघ सकता हूँ। आपके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, डाइट वाली भी है। असल में मेरा ट्रेनर यहीं करीब रहता है, वो दो मिनट में आ जाएगा। तो मेरे फर्स्ट टीम में कपिल है, फराज है, आप जो भी बनाएंगे वो दोनों ही नोश कर लेंगे। चलिए मैं आपको जो है ना फालूदा बनाता हूँ, आपके लिए भी मैं एक चीज़ बनाऊंगा, आप पिएंगे इंशाल्लाह आपको आपकी डाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन हूं, मुझे पता है डाइट में क्या खाना है और क्या पीना है, इसकी टेंशन आप ले। तो एक स्पोर्ट्समैन फालूदे की शॉप पे फालूदा बना रहा है, ये क्वेश्चन रखिएगा, इस क्वेश्चन को आगे मैं सॉल्व करूंगा। शुरू करते हैं। जो आपने वादा किया स्पोर्ट्समैन के लिए, जो होते स्पोर्ट्समैन ने एक फालूदा तैयार किया, एक स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ तैयार करेगा। क्या है ये छोटे वाले ग्लास भी रखे, टकीला वकीला तो नहीं बनाओगे? हराम है यार, मसला हो जाएगा हमारे लिए। मैं सैयद फैमिली से हूँ, बहुत जूते पड़ेंगे जी। हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए अपना कॉकटेल और मॉकटेल्स वगैरह। इसका एक्सपीरियंस हमारा यूके का है, तो इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही अपर क्लास की चीज़ें देंगे इस इलाके में। देख रहा हूँ खा नहीं सकते यार, मेरा जिम ट्रेनर है, उसने इतनी कोई पाबंदी लगा के रखी हुई है 42 दिन तक कि कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखें हेल्थ कॉन्शियस है तुम्हें, आपको टकीला शॉट, ये टकीला शॉट है उसका। और ये अभी हम हाथ के हाथ ट्राई कर लेते हैं, इसके बदले कोई 50 के करीब लेग रेज लगाने होंगे और 100 क्रंचेस लगाने होंगे, तो वो मैं लगा दूँगा। मैं बड़ी महंगी की कोई आइसक्रीम है, थोड़ी सी सैलनस है और दूध है, और बहुत ही ये तो बहुत ही हेल्दी है, इसके लिए मैं अपने ट्रेनर से लड़ सकता हूँ। दिस इज रियली गुड। नेक्स्ट सर वो लेमनेट पिलाना, लेमनेट में बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, लेमनेट में लेमनेट सिरप डलेगा। क्या क्या होगा हमारा उसमें? पुदीना है, लेमन है, पानी है, और तीनों हलाल चीज है। हाँ चीनी तो नहीं है? चीनी है। Thank you.
आइसक्रीम बहुत अच्छी क्वालिटी की है, आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि फिर ही है। हाँ ये वजह भी है सही में तो डबल टेस्ट अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कपिल साहब आपकी बारी है, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये फिजिक ड्रिंक है, आपने ये ट्राई करनी है, ये नहीं पड़ा है। और एक यार ये लेमनेड शॉट आपके पास तो पूरा ग्लास है आपका, ये फिजिक ड्रिंक है, इसके अंदर कौन से फ्लेवर है इसके अंदर? ब्लूबेरी। मज़े का है, और मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा पिया है, और ब्लूबेरी आइसक्रीम तो मैं खाता रहता हूँ, अच्छी लगती है। इसका जो टेस्ट है ना, इसमें इन्होंने जो सेवन अप ऐड करी है उससे ये और ज़्यादा जो है ना बूम हो गया इसका टेस्ट। मैं फालूदा भी खाऊँगा, मैं फालूदा का मैं बहुत शौकीन हूँ। तुमने इतनी तारीफ करी है तो मैं ये कर रहा। लाइट चली गई है और इस लोड शेडिंग की गर्मी में अगर अपने अंदर की गर्मी जो है ना हटानी है ना, तो ये फालूदा और ये फिजी ड्रिंक जो लेमनेड है जो आतिफ भाई ने शॉट कर दिया है वो, इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, टेस्ट करना चाहिए आप लोग को, आना चाहिए। इसका नाम कहा गया था, हेल्दी ब्लेंड्स, हेल्दी ब्लेंड मद्रास चौक पर। और बाकी जो है आतिफ भाई बाकी आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा जी, वीडियो का मैंने आगाज़ किया तो आपको कहा था कि एक ऐसी शॉप पे हम जा रहे हैं जहाँ पे आपको फालूदा, मार्गरीटा, आइसक्रीम्स, मार्शल आर्ट्स और जुजित्सो मिलेगा। तो ये थोड़ी सी हैरानी की बात थी। सबसे पहले तो ये अमार भाई जो आपने लेमिनेट बनाया है, हलाल मज़े का है, मैं अपने ट्रेनर को भी पिलाऊँगा ताकि फड्डा ना हो। अच्छा अब ये फालूदे की दुकान और एक बंदा आपने ये देखा जो फालूदा बना रहा था, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा और मैच्योर और सेल्फ फाइनेंस पे आगे आने वाला मार्शल आर्टिस्ट है। एशियन गेम्स, बीच गेम्स में इसने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए जीते हैं, और आपके सामने एक अच्छी सी स्माइल के साथ फालूदा बना रहा था। अभी माशाल्लाह अगले इवेंट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो अम्मार हमें बताएंगे कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी सेल्फ एफर्ट से, अपनी सेल्फ ट्रेनिंग से कितने मेडल्स जीते हैं। मैंने इंटरनेशनली जो है वो ऑलमोस्ट जो है 16 टू 17 मेडल्स जो है इंटरनेशनली जीते हैं, और नेशनली जो है वो मेरे ऑलमोस्ट 35 प्लस है। नेशनल लेवल पे 35 है, इंटरनेशनल लेवल पे 16 से 17। उसमें गोल्ड मेडल कितने हैं? उसमें है मेरे 3 टाइम्स मैं एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ, मैं वर्ल्ड रैंकिंग में रहा हूँ। वर्ल्ड रैंकिंग में मेरा 3rd रैंक था। मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था ना मार्शल आर्ट का, वो 2004 में स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स जीतना चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्टिल मैं पोडियम पे हूँ। मैंने 2008 से कंटिन्यू मैं अब तक नेशनल चैम्पियन हूँ। तो आपने कभी किसी इंडियन मार्शल आर्टिस्ट को राम नमस्ते किया? बिल्कुल किया है, मैंने 2015 में मेरा सेमीफाइनल जीता था वो इंडियन से, उसको मैंने बीट करके फिर मैं फाइनल में गया था। फाइनल में अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया था, लेकिन कोई बात नहीं। आपने सेमीफाइनल में इंडिया को बाहर कर दिया, बस आप जीत गए। फ्रांस बड़े मुल्क हैं यार, क्या लड़ना, बैगर्स कांट बी चूजर्स, आप समझ रहे हैं ना। इतनी हड्डियां टूटी अब तक, हड्डियां तो काफी टूट चुकी हैं। ऐसा वो घर आते हैं वो आँख पूरी दबी हुई होती है। बिल्कुल ऐसे भी हुए ट्रेनिंग के बाद जो है वो अक्सर बेशतर इवेंट्स में ऐसी इंजरीज हो जाती हैं कि उसमें फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, आपको खेलना होता है। पाकिस्तान जो है ना जुजित्सो में, मार्शल आर्ट में पाकिस्तान मोस्टली जो है ना इंडिया को बीट करता हुआ। मुझे काफी सारी व्लॉगर्स ने भी सपोर्ट किया है, जैसे आप हैं, इसी तरह हसन देख भी आए थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया।
हसन बेग इनके पास आए थे, उन्होंने इनका वीलॉग बनाया और इस वीलॉग का उस वीलॉग से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैं एक्सप्रेस टीवी के रमजान ट्रांसमिशन पे था, वहाँ मेरी पहली दफ़ा आपसे गाड़ी में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप और हम तो पड़ोसी हैं तो आप मेरे पास क्यों नहीं आते, तो मैं इनके पास आ गया। हमारी मुलाकात का हसन बेग से कोई लेना देना नहीं, ऐसा ही है भाई, खुला ये मार्शल आर्टिस्ट है, मेरा इस पर जोर नहीं चल सकता, जो बोल रहा है अपने दिल से बोल रहा है। आप मुझे ये बताएं मां कि आपको किसी किस्म की गवर्नमेंट लेवल की, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट कभी मिली? सर मैं ऑफिशियली तो ये बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आज तक मैं जितने भी इवेंट जीत कर आया ना इंटरनेशनली, मैं सिंध का वाहिद प्लेयर हूँ जो कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीत कर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सिंध गवर्नमेंट की तरफ, नेशनल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर चलो इशाइयाँ और इनामत और कुछ चेक्स वगैरह मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो आजकल मुझे एक अप्रिसिएशन का मैसेज नहीं आया। मतलब सिंध गवर्नमेंट का स्पोर्ट बजट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, आप हिल जाएंगे कितना स्पोर्ट बजट है। फिनलैंड है, फिनलैंड 2 अरब से ज़्यादा है सिंध गवर्नमेंट का स्पोर्ट बजट सालाना। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने तो 3.5 करोड़ कराची की जो आबादी है उसको भी अप्रिसिएशन बजट नहीं दिया है कि आपको जू की सहूलियात में कैसे इंसान वहाँ जिंदा है, उन्हें अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला। आपको पता नहीं क्या था, आपको लगा बड़े टैलेंटेड है सीख के आ जाएंगे, ये आपको सर पर उठा लेंगे, कोई नहीं उठाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और खुद ही करना होता है, आपने किसी को देखना तो नहीं होता, आप लोगों को आपकी मेहनत भी नज़र आ रही होती, बस वो जो चट्टान के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, अच्छा जी, हम अमार के पास आए, उनसे बातचीत की। अमार आपका बहुत शुक्रिया यार, आपके आपके टेस्ट, आपकी पूरी शॉप की टीम और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, टॉप नॉच हैं। मेन मद्रास शॉप के पास जब आप आएंगे तो जाते हुए, मंडी जाते हुए उल्टे हाथ पे शॉप है और वापसी आते हुए सीधे हाथ पे शॉप है। ये पाकिस्तान का एक टैलेंट, एक हुनर यहाँ बैठा है, आप इसकी हौसला अप्लाई करें, इसके मज़ेदार फ्लेवर, जैसे अंकल बता रहे थे यूके से बोतलें चुरा के लाए हैं वो और यहाँ फ्लेवर बना के देते हैं, तो इससे पहले बोतलों का माल ख़त्म हो जाए आप आके ट्राई करें। और इस इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, इस मार्शल आर्टिस्ट के साथ आप एक सेल्फी भी बनवाएं, पहली सेल्फी का आगाज़ मैं कर रहा हूँ और आपने आके इस सिलसिले को जारी रखना है। अमार भाई आपके साथ एक तस्वीर, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये थी रिक्शा की आज पहली वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो आई होगी पसंद। और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा प्लान है कि शायद दूसरे यूट्यूबर्स की तरह हम भी कोई मंडी शंडी की वीडियो बना लें, लेकिन लाइटें बहुत जा रही हैं, हालात बड़े अजीब से हैं, उम्मीद करेंगे कि कोई अच्छा मज़ेदार सा कॉन्टेंट लेके दोबारा हाजिर हूँ। मार्केट डिटाइल के लिए, ये जो लेमन मार्केट का है इसके लिए मेरा ट्रेनर मेरी हड्डियाँ तोड़ने वाला है, मैं जा रहा हूँ हड्डियाँ तोड़वाने, आप जाएँ चिल करें और यहाँ आना ना भूलिएगा।